वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल इंडिया चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है पेट्रोल पंप के लिए। भारत में 25,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप खोले जाने वाले हैं, उसके तहत ये जानकारी देने वाला हूँ आज मैं। चलो तो शुरू करते हैं। अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो आप अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हो। तो फिर इसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, क्या है इसकी प्रोसेस, पूरा यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो। अगर मैं पूरा पढ़ के आपको दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। इसकी जो भी लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हैं। जो भी इसकी यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपसे लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रूरल के लिए कितना पेमेंट भरना पड़ेगा आपको, और शहर का जो भी शहर भाग है उनके लिए कितना यहाँ पे फीस है, पूरा ढक्चर दिया गया है। पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है इसका, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, पूरा पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारा है, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे, आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर चाहिए होगा उनका, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उनका हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में पूरे नंबर आ जाएंगे। ऑल स्टेट के लिए है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब पूरे स्टेट के लिए। तो मैं महाराष्ट्रीय हूँ, महाराष्ट्र से आप देख सकते हो। यहाँ पे उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे दिए गए हैं, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जो लिंक आप दी गई है, लिंक पे आप क्लिक करके पूरा देख सकते हो। और ये आवेदन करने की दोस्तों, या आवेदन करने की तारीख जो है, जो 24 दिसंबर है, जो कि इसको कुछ ही दिन बाकी है। तो प्लीज़ जिस जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए, और फॉर्म अप्लाई के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करते हो तो उसके बाद दूसरा विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल, अपना नेम, उनका लास्ट नेम, इंटर मोबाइल नंबर, फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर से आपकी कंपनी ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल देना होगा। उसके बाद आपको चैप्टर डालना है। उसके चैप्टर डालने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद आपको पूरे उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा आपको भरना है, और भरने के बाद फॉर्म सबमिट करना है। और अलग अलग रूरल डिपार्टमेंट और शहर डिपार्टमेंट के लिए, जो भी रूरल और अर्बन डिपार्टमेंट के अलग अलग पेमेंट की फीस है, तो उस हिसाब से आप पूरा इस आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो ज़्यादातर देखिए यहाँ पे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और SP, इन तीनों की तरफ से ये पेट्रोल पंप खोले जाने वाले हैं। और इसमें जो भी इनकी जो ऑफर है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी ज़मीन होगी। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो कितनी उसको स्क्वायर फुट लगेंगी, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप पूरा पढ़ सकते हो। और आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं उनको लोगों को इसके बारे में पता चले। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही नए नए अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए अपडेट आपको मैं लाता जाऊँगा, जिससे रिगार्डिंग आपको फ़ायदा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।